बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। आइए स्टूडेंट, आज हम जो है अपने लेक्चर नंबर 8 का आगाज़ करते हैं, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। आइए हम पार्ट नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होना लाजमी है। कोई भी मेथड तैयार करें बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय कंप्लीटिंग स्केल मेथड, बाय फैक्टराइजेशन, आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको आप लेफ्ट हैंड में ले आए। तो ये क्या करिए, 4x² - 3x - 14 = 0। इक्वेशन अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब यहाँ से आप ए बी सी की वैल्यू निकालें। तो स्टूडेंट हेयर यहाँ देखें, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो आपका ए है, और बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ आपका एक्स है, और सी क्या है आपकी जी, कांस्टेंट टर्म है। हमने ए बी सी को निकाल ली, अब हम कोऑर्डिनेट फार्मूला बनाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे ए बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो क्या है स्टूडेंट, एक्स इक्वल टू -b + -√b² - 4ac/2a। स्टूडेंट अब हम ए बी सी की वैल्यूज पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। तो -b = -3 + -√b = -3। बी के ऊपर स्क्वेयर है तो इसकी वैल्यू के ऊपर भी स्क्वेयर होगा, -4ac मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ए सी की जगह जो वैल्यूज पुट करेंगे वो भी मल्टीप्लाई होगी। तो a = 4, c = -14, ओवर में क्या आएगा जी, a² × वैल्यू ऑफ a कितनी है स्टूडेंट जी, 4 है। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, -√3 - √3² - 9 -√ 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 56। 56 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये क्या आएगा जी, आपका जी 224 आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट आपका जी, 224 आएगा। स्टूडेंट फिर सुनिएगा जी, स्टूडेंट 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 को अगेन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 आएगा, 224 एंड स्क्वायर रूट 2 = 8। स्टूडेंट माइनस +3 + -, स्क्वायर रूट 224 + 9 = 233 / 8 = x = x = x। स्टूडेंट ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। 233 जो है किसी नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहा, इसकी मजीद जो है सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बन सकती, ना ही ये परफेक्ट स्क्वायर है, ना ही ये किसी पे डिवाइड होता है। तो स्टूडेंट यही आपका सॉल्यूशन सेट है। इस इक्वेशन के क्वेश्चन में सॉल्यूशन सेट जो है अगेन इरेशनल फॉर्म में आया, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा। तो आपका जो है स्टूडेंट सॉल्यूशन सेट क्या बना जी, 3 ± स्टूडेंट ये प्लस लिखना है, लिख दें, नहीं लिखना हमारा लिखें, √233/8। स्टूडेंट ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ समय लगी होगी, आइए अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। स्टूडेंट इसमें
टू ए कितना है आपका स्टूडेंट जी? वो सिक्स है, तो ये सिक्स वोट किया। आप इनको सिंपलीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस के रूट, माइनस सेवन स्क्वेयर 49, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, सिक्स फोर जार 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया 72, 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया 72 ओवर 2, 6 12 इक्वल टू एक्स। स्टूडेंट 7 प्लस लिखना है, लिख दे, नहीं लिखना ना लिखें, प्लस माइनस 72 प्लस 49 121, 72 प्लस 49 121 ओवर 12 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 121 का स्क्वेयर रूट क्या होगा जी? 11/12। 121 का स्क्वेयर रूट होगा 11/11 होगा स्टूडेंट। देखिए 121 का स्क्वेयर रूट 11 स्टूडेंट। अब इसको वन टाइम आप प्लस करेंगे, वन टाइम माइनस करेंगे, क्योंकि स्क्वेयर रूट निकल चुका है, यानी रेडिकल साइन नहीं है। तो ये एक्स इक्वल टू 7 प्लस 11 ओवर 12, और जो सेकंड वैल्यू है 7 माइनस 11/12। तो ये एक्स इक्वल टू 11 प्लस 7 18/12। 18 को 3 पे 6 पे कट गया 3, और 12 को 6 पे काट गया तो 2। तो ये एक्स इक्वल टू 3/2। स्टूडेंट एक्स इक्वल टू 7 माइनस 11 माइनस 4/12। 4 को 4, 4 वन्स आर 4, 4 थ्रीज आर 12। एक्स इक्वल टू माइनस 1/3 इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। स्टूडेंट ये एक्स की दो वैल्यूज आई हैं, ऐसे भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन की डिग्री 2 है, उसके सॉल्यूशन भी 2 ही होते हैं। तो आपका जो सॉल्यूशन सेट बना वो क्या जी? 3/2 माइनस 1/3। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ लगी होगी। आइए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जस्ट आप ए बी सी की वैल्यू डिराइव करें, इस सिचुएशन से हासिल करें। स्टूडेंट हेयर यहाँ से हमें जो है वो ए कितना है स्टूडेंट, ये देखें कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट बी कितना है आपका कोफिशियंट ऑफ एक्स। स्टूडेंट सी कितना है आपका जी? ये कॉन्स्टेंट। अब कोऑर्डिनेट फॉर्म लिखें, उसमें ए बी सी की वैल्यूज पुट करें, सिंपलीफाई करें और उस कोऑर्डिनेट इक्वेशन का सॉल्यूशन हासिल करें। तो यहां हम लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब आप ए बी सी की वैल्यू पुट करें, बी कितना है स्टूडेंट? 8। आप बी में 8 लिखेंगे प्लस माइनस के रूट, बी कितना है? 8। तो बी में 8 पुट करेंगे, बी है स्क्वेयर, बी के ऊपर स्क्वेयर है तो 8 के ऊपर बी स्क्वेयर आएगा, 4ac मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ac की जगह जो वैल्यूज पुट करेंगे वो भी आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो 4 वैल्यू ऑफ ए इज 3, वैल्यू ऑफ सी इज 2 ओवर क्या आएगा आपका जी? ए कितना है स्टूडेंट आपका जी? 2a मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ए की वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो ए कितना है स्टूडेंट जी आपका? ये 3 है। तो स्टूडेंट माइनस 8 प्लस माइनस 8 स्क्वायर रूट 64, 8 स्क्वायर रूट 64 माइनस 3 4 जार 12, 12 2 जार 24,
2 3 6 6 4 24 over 2 3 6 = x। स्टूडेंट अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, -8 + -64 - 24। स्टूडेंट ये क्या आएगा जी 40। 64 - 24 स्टूडेंट ये क्या आएगा जी 40 over 6। ओवर क्या आएगा 6 = x। 64 - 24 क्या आएगा जी 40। अब स्टूडेंट 40 का स्केल, 40 किसी का परफेक्ट स्केल नहीं है, बट इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है। 40 का स्केल रूट नहीं निकल सकता, बिकॉज 40 जो है वो किसी का स्केल रूट नहीं है। जैसे 9 जो है 3 का स्केयर है, तो 9 का स्केयर रूट 3 होता है, बट 40 किसी का स्केयर रूट नहीं है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तो ये स्टूडेंट 20 आया, अगेन 2 पे डिवाइड किया तो ये 10 आया, अगेन 2 पे डिवाइड किया तो ये 5 आया, 5 पे डिवाइड किया तो ये 1 है। अब इसका पेयर बना, पेयर में से सिर्फ एक नंबर लेंगे, 2 और 5 का पेयर नहीं बना। जिनका पेयर बना है, जिन जिन नंबर्स का पेयर बना है, पेयर में से एक लेंगे। इस 2 और इस 5 का पेयर नहीं बना। स्टूडेंट पेयर किस किस का नहीं बना? 2 और 5 पेयर किसका नहीं बना? 2 और 5। तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें 10 और उसको स्क्वायर रूट के बाहर अंदर लिख दें। इसका पेयर बना है 2, इसको स्क्वायर रूट के बाहर लिख दें। जिसका पेयर बन गया उसको स्क्वायर रूट से बाहर रखा। तो स्टूडेंट ये क्या आएगा? -8 + -2 * √10/6 = x। स्टूडेंट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि न्यूमिनेटर से 2 कॉमन आ रहा है, न्यूमिनेटर से 2 क्या आ रहा जी कॉमन आ रहा है। तो ये x = 2 कॉमन आया स्टूडेंट, तो क्या आएगा जी -4 + -, तो 8 में से 2 कॉमन निकाला 4, इधर से 2 कॉमन निकालेंगे तो स्केयर रूट 10 रह जाएगा। क्या रह जाएगा जी? स्केयर रूट 10 रह जाएगा ओवर 6, ओवर ये वाली पे आएगी 6। स्टूडेंट 2 1s are 2 2 3s are 6, तो आपका आंसर क्या आया? -4 + -√10/3। स्टूडेंट ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और अगेन सॉल्यूशन जो है वो सर्ड इरेशनल फॉर्म में आया है, इसको अलग अलग प्लस माइनस में लिखने की जरूरत नहीं है। तो देयरफॉर आपका सॉल्यूशन सेट क्या आया? -4 + √10/3। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ लगी होगी। आइए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7, 3/(x-6) - 4/(x-5) = 1 इज नॉट ए स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टूडेंट पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, फिर हम ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करेंगे, फिर जो है हम क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट करेंगे, फिर उस क्वाड्रेटिक फार्मूले में ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, उसको सिंपलीफाई करेंगे, तो हमें इस इक्वेशन का सोल्यूशन मिलेगा। स्टूडेंट डिनोमिनेटर में क्या है कि आपका x - 6 और x - 5, तो आपका एलसीएम क्या आया? x - 6 and x - 5 आपका एलसीएम। डिनोमिनेटर में क्या है? x - 6 and x - 5 ये आपका एलसीएम आया। x - 6 x - 5 फैक्टर को x - 6 पे डिवाइड किया तो कौन सा फैक्टर बचा? x - 5। x - 5 फैक्टर को न्यूमिनेटर में मौजूद 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 × x - 5 माइनस x - 6 x - 5 फैक्टर को x - 5 फैक्टर से डिवाइड करें तो x - 6 फैक्टर बचेगा। x - 6 इस फ्रैक्शन में मौजूद न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 4 × x - 6 = 1। स्टूडेंट x - 3 को x - 5 से मल्टीप्लाई करें 3x - 15। -4 को x - 6 से मल्टीप्लाई करें, बाहर माइनस भी है तो
एक्स और सिक्स की साइन चेंज लगी, तो माइनस फोर एक्स प्लस 24 ओवर, स्टूडेंट एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई किया माइनस फाइव एक्स, माइनस सिक्स को एक्स से किया तो ये माइनस सिक्स एक्स, माइनस सिक्स को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस 30 इक्वल टू वन। मैंने x माइनस सिक्स और x माइनस फाइव को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स प्लस 30। स्टूडेंट माइनस फोर एक्स प्लस 3x क्या आएगा जी, माइनस x प्लस माइनस 15 प्लस 24 प्लस 9 प्लस 24 माइनस 15 प्लस 9 ओवर x स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस 11 एक्स प्लस 30 सेम एज प्लस 30 सेम एज इज इक्वल टू, इस वन को मैं वन ओवर वन लिख सकता हूँ, इस वन को मैं वन ओवर वन लिख सकता हूँ। इसके बाद स्टूडेंट आप करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 30 इक्वल टू वन इंटू माइनस एक्स प्लस 9। वन को एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 30 इक्वल टू, वन को माइनस एक्स प्लस 9 से करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 9 आ जाएगा। एक्स वाली टर्म को एक्स वाली के पास ले जाएं और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट के पास ले जाएं तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस एक्स प्लस 30 माइनस 9 इक्वल टू 0। स्टूडेंट आप थोड़ा इनको सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 10 एक्स प्लस 30 माइनस 9 प्लस 21 प्लस 30 माइनस 9 प्लस 21 इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, स्टूडेंट ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब यहां से आप ए बी सी की वैल्यू निकालें, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है आपका जी कांस्टेंट टर्म, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है माइनस 10 और सी कितना है 21, तो ये क्या आएगा जी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला तो ये क्या आएगा आपका जी एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। स्टूडेंट अब इस फार्मूले में आप ए बी सी की वैल्यूज पुट करेंगे, ए एक्स इक्वल टू स्टूडेंट बी कितना है आपका माइनस 10, बी कितना है आपका माइनस 10 प्लस माइनस, स्टूडेंट बी कितना है आपका माइनस 10 और उसका स्क्वायर माइनस 4, स्टूडेंट ए कितना है आपका 1, सी कितना है 21, ए कितना है आपका 1 और सी आपका है 21 ओवर टू, स्टूडेंट ए कितना है आपका जी ये देखिए जी 1। तो स्टूडेंट मैंने इस स्टेप में क्या किया ए बी सी की वैल्यूज पुट की, अब इनको सिंपलीफाई करूंगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 10 प्लस माइनस माइनस 10 स्क्वायर 100 माइनस 10 स्क्वायर 100 माइनस 4 वन्स आर 4 4 को 21 से मल्टीप्लाई किया 84 ओवर 2 वन्स आर 2 4 वन्स आर 4
21 से 4 को मल्टीप्लाई किया 84, तो 10 के साथ प्लस लिखना है, लिख दो, नहीं लिखना ना लिखो, प्लस माइनस 100 माइनस 84 16, 100 माइनस 84 16 इक्वल टू x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 4, 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा ये 4। अब स्टूडेंट इसको वन टाइम प्लस कर रहे हैं, वन टाइम माइनस, तो 10 प्लस 4 ओवर 2 x इक्वल टू 10 माइनस 4 ओवर 2 x इक्वल टू 10 प्लस 4 14 ओवर 2, तो 2 ने 14 को कट किया 7, x इक्वल टू 10 माइनस 4 6 ओवर 2, तो 10 को 4 में प्लस किया, 14 को 2 पे डिवाइड किया 7, 10 माइनस 4 6, 6 को 2 पे डिवाइड किया तो ये 3, तो ये x इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट आपका जो सॉल्यूशन आया है वो 7 एंड 3। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ लगी होगी। आइए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 9, a ओवर x माइनस b माइनस b ओवर x माइनस a इक्वल टू 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले हम इसकी जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, फिर इसको जो है ना a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट करेंगे, उसमें ए बी सी की वैल्यूज पुट करेंगे और देन उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। स्टूडेंट देखें डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स माइनस बी एंड एक्स माइनस ए। आप इसका एलसीएम लें, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए, एलसीएम जो डिनोमिनेटर में होगा वही एलसीएम आएगा। एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए को आप एक्स माइनस बी पे डिवाइड करें तो क्या बचेगा, एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए को न्यूमिनेटर में मौजूद ए से मल्टीप्लाई करें तो ए इंटू एक्स माइनस ए, ए इंटू एक्स माइनस ए, माइनस एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए को एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, एक्स माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट, एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए को x माइनस ए पे डिवाइड करें तो x माइनस बी बचेगा, x माइनस बी को b से मल्टीप्लाई करें तो b इंटू एक्स माइनस बी आएगा इज इक्वल टू 2। उम्मीद करता हूं समझ लगी होगी। a को x माइनस ए से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा जी, ए एक्स माइनस ए स्क्वायर, माइनस बी को x माइनस बी से मल्टीप्लाई करें, बाहर माइनस है, बाहर क्या है जी माइनस है तो एक्स और बी की साइन चेंज होगी तो ये क्या आएगा, माइनस बी एक्स और प्लस बी स्क्वायर। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, अब हम एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस ए से मल्टीप्लाई किया माइनस ए एक्स, माइनस बी को एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस बी एक्स, माइनस बी को माइनस ए से मल्टीप्लाई किया प्लस ए बी इक्वल टू 2। एक्स माइनस बी को एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस 2। स्टूडेंट अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 1 इंटू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट मैंने क्या किया, 2 को एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी से मल्टीप्लाई किया, 1 को ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, टू को ब्रैकेट में मौजूद ऑल टर्म से मल्टीप्लाई करें, टू एक्स स्क्वायर माइनस ए टू ए एक्स माइनस टू बी एक्स प्लस टू ए बी, वन को ब्रैकेट में मौजूद ऑल टर्म से मल्टीप्लाई करें, ए एक्स माइनस बी एक्स ए एक्स माइनस बी एक्स और माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट आपको समझ लगी होगी। स्टूडेंट अब क्या करेंगे, तमाम टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, एक्स वाली टर्म्स को एक्स के पास, एक्स वाली टर्म्स को एक्स के पास, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास। तो ये कहेगा टू एक्स माइनस टू ए एक्स, इस ए एक्स को लेफ्ट में लेके आएंगे माइनस ए एक्स, माइनस टू बी एक्स, इस माइनस बी एक्स को लेफ्ट में लेके आएंगे तो प्लस बी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा जी आपका, जी प्लस ये प्लस बी एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस बी एक्स। देखें ये प्लस बी एक्स है तो लेफ्ट में आगे माइनस बी एक्स बन जाएगा। स्टूडेंट फिर क्या लिखेंगे, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल टू जीरो। मैंने क्या किया, ए एक्स को टू ए एक्स के पास लेके गया, सबकी साइन चेंज होनी है, बी एक्स को टू बी एक्स के पास ले गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को टू ए बी के पास ले गया। स्टूडेंट ये कहेगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस थ्री एक्स, माइनस टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस थ्री एक्स, माइनस टू बी एक्स माइनस बी एक्स माइनस थ्री बी एक्स। स्टूडेंट और से देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये परफेक्ट स्क्वायर है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी परफेक्ट स्क्वायर है ए प्लस बी होल स्क्वायर का। तो टू एक्स स्क्वायर स्टूडेंट माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री बी एक्स से माइनस थ्री एक्स कॉमन आ रहा है, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इनमें से माइनस थ्री एक्स कॉमन कर रहा है। स्टूडेंट ये एक्स यहां लिख दें कोई इशू नहीं है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुकी है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बन चुकी है। यहां देखें स्टूडेंट, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ए कहें, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ए कहें, और कोफिशियंट ऑफ एक्स जो है वो क्या है, माइनस थ्री इंटू ए प्लस बी, और कॉन्स्टेंट क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। कॉन्स्टेंट क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। कैपिटल ए बी सी इसने यूज किए हैं, स्मॉल ए बी सी यूज हो चुके हैं। तो x इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे कि a b c की वैल्यूज पुट करेंगे, तो स्टूडेंट b कितना है माइनस थ्री इंटू, b कितना है माइनस थ्री इंटू ए प्लस b प्लस माइनस, स्टूडेंट b कितना है माइनस थ्री इंटू ए प्लस बी, एक माइनस b के साथ ही एक माइनस इस b के साथ है, b की वैल्यू कितनी है माइनस थ्री इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर, a कितना है स्टूडेंट टू, a कितना है टू, और ये आपका a प्लस बी का c कितना है a प्लस बी होल स्क्वायर, c कितना है a प्लस बी होल स्क्वायर ओवर टू, और ये a कितना है स्टूडेंट जी a टू है। उम्मीद करता हूं समय लगी होगी, मैंने a b c की जस्ट वैल्यूज पुट की, कुछ नहीं किया, ये माइनस माइनस से कैंसिल, प्लस थ्री इंटू ए प्लस बी प्लस थ्री इंटू ए प्लस बी, तो प्लस माइनस, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, और ए
प्लस बी होल स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर 9, ये स्क्वायर माइनस थ्री का भी है और ए प्लस बी का भी है। 4 2 8 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर ओवर 2 2 4 ओवर 2 2 4। जी स्टूडेंट, अब हम क्या किया, 2 2 4, हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस, स्टूडेंट ये देखें 9 में से 8 को माइनस करें तो क्या आएगा, 1 इंटू ए प्लस बी स्क्वेयर ओवर क्या आएगा जी 4। देखें स्टूडेंट, ए 9 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वेयर और माइनस 8 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस हो सकते हैं, 9 में से 8 निकाला तो 1, 1 के साथ ए प्लस बी होल स्क्वेयर आ गया, 1 बेशक रेज कर दें तो 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस स्क्वेयर स्क्वेयर रूट को काट देगा तो ये ए प्लस बी ओवर 4 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, स्क्वेयर स्क्वेयर काट देगा तो ए प्लस बी आएगा। आप इसको वन टाइम स्टूडेंट प्लस करें और वन टाइम आप इसको माइनस करें तो 3 इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ओवर 4, ये स्टूडेंट मैंने पहले क्या किया है, इसको प्लस किया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको जी माइनस 3 इंटू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी ओवर 4। स्टूडेंट देखें 3 ए प्लस बी 1 ए प्लस बी 3 ए प्लस बी 1 ए प्लस बी 4 ए प्लस बी ओवर 4, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी। स्टूडेंट 3 ए प्लस बी माइनस 1 ए प्लस बी तो ये क्या आएगा, 2 इंटू ए प्लस बी ओवर 4। 3 में से 1 निकाला तो 2 ही आएगा ना, 3 में से 3 ए प्लस बी में से 1 ए प्लस बी निकाला तो 2 इंटू ए प्लस बी आएगा, ये इससे कैंसल तो एक्स इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2। तो आपका सॉल्यूशन क्या आया, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ओवर 2। स्टूडेंट ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का और ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट भी था। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको हमारे आज इस लेक्चर में जितने भी हमने पार्ट्स किए हैं उनको आप उनकी आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी, और हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच भी करें स्टूडेंट। इसके अलावा हमारे इस चैनल को जिसका नाम जो है मैथमेटिक्स केव है, इसको सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। स्टूडेंट हमें नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए जी, तब तक जी अल्लाह हाफिज़।